हेलो वेलकम टू बॉलीवुड वाला आई एम सोनू दोस्तों नरप्पा फिल्म देखा मैंने अमेजॉन प्राइम पर रीमेक ऑफ तमिल फिल्म असुरन द रीमेक नरप्पा स्टारिंग वेंकटेशन लीड रोल लेट मी टेल यू नरप्पा इज एन ऑलमोस्ट सीन बाय सीन फ्रेम बाय फ्रेम रीमेक ऑफ असुरन और यहाँ पे मैं क्रेडिट देना चाहूँगा नरप्पा के डायरेक्टर को क्योंकि ही रिटेन्ड एंड मेंटेन्ड दस ऑफ द ओरिजिनल फिल्म असुरन ईज रिमेंड लॉयल टू दरिजिनल फिल्म असुरन ईज रिमेंड फेथफुल टू दि ओरिजिनल फिल्म असुरन प्रॉपर रिक्रिएशन प्रॉपर रीमेक इसको कहते हैं रीमेक तो अभी हमें एक ही चीज देखना है भैया परफॉर्मेंसिस कैसा है नंबर वन वेंकटेश इन दैट लीड रोल एज नरपा एब्सल्यूटली रॉकिंग यार उन्होंने जिया है ये कैरेक्टर को टोटली totally ट्रांसफॉर्म किया अपने आप को स्टार्टिंग में वो सबड्यूड पना जो दिखाया उन्होंने, वो नेचर जो दिखाया उन्होंने सुपर और उसके बाद जिस तरह से वो एक्सप्लोर्ड होता है उनका वो डिटर्मिनेशन उनका वो फोकस टू सेव हिज फैमिली टू सेव हिज किड और उसके बाद उनका वो एंगर द वे ही ट्रांसफॉर्म्स इन दिस रूथलेस इन दिस ब्रूटल एब्सल्यूटली हैकिंग हीरो ब्रूटैलिटी वो रॉ रेज द वे फ्लाइज इन टू रेज जिस तरह से दिखाया सुपर एक्टिंग लगाया सुपर एक्टिंग फिल्म में थ्री मेजर एक्शन सेट पीस है एक इंटरवल के ठीक पहले एक फ्लैशबैक में और एक है क्लाइमैक्स में तीनों एक्शन सीक्वेंसेस बहुत ही ब्यूटीफुली फिल्म किया गया इनफैक्ट अगेन इवन द एक्शन सीक्वेंसेज एक्ट फ्रेम बाई फ्रेम सीन बाई सीन रिक्रिएशन ऑफ द ओरिजिनल फिल्म एंड वेंकटेश इन ऑल थ्री एक्शन सिक्वेंसेज आर स्पेक्टैकुलरली ब्रिलियंट मतलब सुपर एक्टिंग किया उन्होंने वो पहला वाला एक्शन सेट पीस में जिस तरह से वो उनका अंदर वाला नरप्पा जो जाग उठता है यानी असुरन आप देखना वो सीन जिस तरह से शूट कियाम लाइक like असुरन बट वेरी वेरी इम्पैक्टफुल इवन इन द रीमेक एज वेल वो पूरा एकदम ऐसा सैंड वैंड पूरा उड़ रहा है उसके बीच में से ऐसा आता है वेंकटेश एंड देन ई स्टार्ट Beating all the villains, black and blue, and the hacking—brilliant. The second action set piece in the flashback, oof, kya scene recreation Super superb laga. And final also exactly the same. Maza gaya, dosto. And acting like I said, Venkatesh yar, superb laga. Absolutely superb laga. Unhone superb interpretation kiya. And what is, what is brilliant to watch, is the transformation of his expressions, like. द मैन हुट द फीट ऑफ इच एंड एवरी सिंगल द्रांसफॉर्म इन सेविली और ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ही ब्रिलियंट लगा प्रियमणि का परफॉर्मेंस भी बहुत बेहतरीन लगा मंजू वॉरियर ने किया था तो ओरिजिनल फिल्म में मंजू वॉरियर और स्पेक्टेकुलर प्रियमणिज ऑल्सो ब्रिलियंट एज ब्रिलियंट एज मंजू वॉरियर इवन इन दिस फिल्म कार्तिक ओफ रियली रॉकिंग परफॉर्मेंस बाई कार्तिक ओह वो सीन जहाँ पर उनका जो एक्शन है दैट मेन एक्शन इन द फील्ड वेर द ट्रेजेडी अनफोल्ड ब्रिलियंट परफॉर्मेंस दिया वो जो मतलब उफ, वो जो दर्द उनके उनके बदन से आता है वेन इज सराउंडेड बाई दोंगयर स्पीयर इन टू हिस्स बॉडी ब्रिलियंट परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस वाइज एब्सल्यूटली ब्रिलियंट रिक्रिएशन ऑफ़ द ओरिजिनल ईच एंड एवरी सिंगल एक्टर स्टेइंग ट्रू टू द स्क्रिप्ट स्ट्रू टू द ओरिजिनल एक्सप्रेशंस आई लव दिस रीमेक इन इट्स टूठेलिटी मज़ा आ गया दोस्तों अब दोस्तों इसमें एक्शन के बारे में तो बात किया मैंने अब दूसरा जो इंपॉर्टेंट सीन्स है क्योंकि स्टोरी तो आपको मालूम है अब इंपॉर्टेंट सीन्स की अगर मैं बात करूँ एक तो वो खेत वाला सीन वेन दे फाइंड द लाइफलेस हेडलेस बॉडी ऑफ द सन वो जो सीन का रिक्रिएशन जिस तरह से किया जिस तरह से वेंकटेश भाग्य आता है अपना वो धोती मुंड लेके वो बॉडी को कवर करता है फिर प्रियमणी आती है एंड देन शी कोलैप्सिस शी हर कॉन्शियसनेस फॉर मोमेंट सुपर रिक्रिएशन यार द ओरिजिनल बोलो रीमेक बोलो दोनों में भी वो सीन में ना आप रो पड़ोगे यार इम्पैक्ट सुपर्ब आता है दूसरा जो सीन मुझे एक्चुअली रीमेक में ज़्यादा और पावरफुल लगा वो है वो स्लिपर वाला सीन जहाँ पे वो लड़की के सर पे स्लिपर रख के उसको चलाते पूरे विलेज में परेड कराते हैं उसका अरे यार मुझे लगा कि रीमेक में और ज़्यादा इम्पैक्टफुल था स्पेशली वो सीन जहाँ पर वो गुंडा के डंडे से मारता है इट इज़ इट इज़ इट इज़ डैम इम्पैक्टफुल यार सुपर बब्लिट डरक्टेड रीमेक सुपर ब्लिट डरैक्टेड सिर्फ एक चीज़ पूरे रीमेक में मुझे थोड़ा गड़बड़ वाला लगा फ्लैशबैक में वेंकटेश ओल्ड ही लग रहे थे यार मतलब आप ओरिजिनल देखो असुरन में धनुष क्या यंग लग रहा था मतलब वो फ्लैशबैक में लगा कि यंग धनुष हम देख रहे हैं तो वो रिक्रिएशन प्रॉपर नहीं हो पाया बट एनी लोग अंकल अंकल करके संबोधित कर रहे थे यू नो फ्लैशबैक में वेंकटेश को सो आई थिंक दैट वॉज ठीक है ओके दैट इज द ओनली थिंग जो मुझे उतना जमा नहीं बट ठीक है आई मीन इट्स समथिंग दैट यू कैन ईजिली इग्नोर ओवरऑल परफेक्ट रीमेक सुपरबली वेल रीमेड फिल्म इसको कहते हैं लाइक आई सेड री मेक अब अगर आप कंपेयर करोगे नरप्पा को असुरन से मुझे लगता है असुरन ना इंटेंसिटी के मामले में एक या दो डिग्री थोड़ा ज़्यादा निकलेगा रीमेक से एंड आफ्टर ऑल यू कैन पुट इट डाउन टू ओरिजिनल बींग ऑलवेज ओरिजिनल तो ओरिजिनल हमेशा ओरिजिनल रहेगा लेकिन ये रीमेक भी बहुत ही वेरी वेल मेड रीमेक है इनफैक्ट अगर आपने ओरिजिनल फिल्म देखा नहीं असुरन यू विल इमेंसली टेरिफिकली एन्जॉय द रीमेक इवन मोर बिकॉज यू यू डोंट नो वट द सब्जेक्ट इज एंड द रीमेक विल एक्चुअली हिट यू एज हार्ड एज द ओरिजिनल फिल्म यह है मेरा रिव्यू नरप्पा का एम गोइंग विथ थ्री पॉइंट फाइव स्टार्स फॉर नरप्पा अगर आपने देखा है नरप्पा तो मुझे बताना आपको यह ये फिल्म ये रीमेक कैसे लगा वेंकटेश प्रियमणि और बाकी लोगों के परफॉर्मेंस कै, कैसे लगे आपको कार्तिक का परफॉर्मेंस कैसे लगा और हाँ ओरिजिनल के मुकाबले ओरिजिनल के कंपैरिजन में रीमेक कितना अच्छा बना है या नहीं अच्छा बनाया जो भी आपका व्यू है ओपिनियन है वो मुझे लिखकर जरूर बताना चलिए फॉर द मोमेंट टाटा